तो गाइस आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि एक शानदार कंपैरिजन लेके आए हैं हम आपके लिए। 20,000 रुपीज प्राइस सेगमेंट में जो है कौन सा फोन जो है बेस्ट है, 4G वाला फोन जो है ले या फिर जो है 5G फोन ले, जो कि अवेलेबल है हमारे पास Xiaomi का Mi 10i, Redmi का Note 10 Pro Max और Samsung का Galaxy F62। इन तीनों ही फोन का जो प्राइस सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है और यहाँ पे बताने वाले हैं कि कौन सा फोन जो है बेस्ट और आपको जो है कौन सा फोन जो है लेना चाहिए। गाइज अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप जो है पूरा वीडियो देखोगे ना तो आपको जो है कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्शन के साथ में। तो यहाँ पे सैमसंग में यूज किया गया है Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन और यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर जो है यूज किया गया है Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा Redmi के Note 10 Pro Max के अंदर और जो है Xiaomi के Mi 10 के अंदर। तो प्रोटेक्शन के मामले में जो है सैमसंग का फोन जो है नीचे मतलब हर जाता है। बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की। तो सैमसंग के फोन के अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है वो यूज किया गया है पॉलीकार्बोनेट बॉडी, मतलब जो है प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक फ्रेम है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max या फिर जो है Xiaomi के Mi 10i के साथ में, तो इन दोनों ही फोन में जो है ग्लास बिल्ड है। यहाँ पर प्लास्टिक का एक अलग एडवांटेज है और ग्लास का एक अलग एडवांटेज है। और गाइस इसके अलावा अगर जो है तीनों ही फोन की फ्रंट डिजाइन की बात करते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं, तो डिजाइन तो तीनों ही फोन का ऑलमोस्ट सिमिलर है पंच होल स्क्रीन के साथ में, जिसका अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं कोई विजिबिलिटी यहाँ पे आपको जो है शो नहीं होती है। अगर आपको जो है कोई वीडियो वगैरह देखते हो तो बिल्कुल भी आपको जो है डिस्टर्ब नहीं करते हैं ये पंच होल स्क्रीन। एंड गाइस बात करते हैं यहां पे डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहां पर हर एक फोन में एक एक स्टेप जो है ऊपर है। सबसे लोअर डिस्प्ले यूज किया गया है IPS स्क्रीन Xiaomi के Mi 10i के अंदर, जो कि एक 5G डिवाइस है, जहां पर सिर्फ एक और एक एडवांटेज है, मतलब 5G डिवाइस अगर आपको 3 से 4 साल जो है फोन को यूज करना हो तो वो जो है एक एडवांटेज है Xiaomi के Mi 10i के अंदर, जो कि एक 5G डिवाइस है, जहां पर सबसे लोअर डिस्प्ले IPS स्क्रीन एंड उससे अपर डिस्प्ले है सुपर AMOLED स्क्रीन, जो कि Redmi के Note 10 Pro Max के अंदर जो है यूज किया गया है 4G डिवाइस के साथ में। एंड उससे ऊपर जो डिस्प्ले है वो है Samsung के Galaxy F62 के अंदर, जो कि है सुपर AMOLED प्लस स्क्रीन। लेकिन गाइस आपको यहां पर जो रिफ्रेश रेट है वहां पे आपको डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि Xiaomi Mi 10i और जो यहां पे Redmi का Note 10 Pro Max है, इन दोनों ही फोन के अंदर जो है 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। इसका मतलब है स्मूथनेस के मामले में जो है Xiaomi Mi 10i एंड Redmi Note 10 Pro Max जो है आगे निकल जाते हैं। लेकिन अगर जो है ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो Samsung का F62 जो है बेटर है। अगर मुझे इन तीनों में से कोई ऑप्शन पिक करना हो ना, IPS के साथ में 120 हर्ट्ज या फिर जो है सुपर AMOLED के साथ में जो है 120 हर्ट्ज या फिर जो है सुपर AMOLED प्लस स्क्रीन, तो पर्सनली जो मैं पिक करूंगा ना वो है सुपर AMOLED प्लस स्क्रीन। तो ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो सुपर AMOLED प्लस, इसका मतलब है Samsung का फोन जो है आगे निकल जाता है। और हां गाइस Samsung के अंदर जो है और एक एडवांटेज मिलती है, जो कि है नॉक सिक्योरिटी एंड सिक्योर फोल्ड का आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही हटके एंड बहुत ही शानदार फीचर मैं जिसको बोल सकता हूं, जो कि आपको यहां पे सिक्योरिटी के मामले में जो है Samsung जो है बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट रखता है, मतलब अपने आप को ध्यान रखता है कि हमारा फोन जो है सिक्योर होना चाहिए नॉक सिक्योरिटी के साथ में। बेसिकली जो है एक सॉफ्टवेयर है, हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो आई बटन आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन जो है बेस्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी के साथ में। और गाइस इसके अलावा बात करते हैं इन तीनों ही फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। Samsung का जो चिपसेट है Exynos 9825, चाहे वो 1.5-2 साल पुराना जो है चिपसेट है, लेकिन अभी भी जो है इस प्राइस सेगमेंट में जो है एक फ्लैगशिप चिपसेट हम जो है इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो Snapdragon 750G, मतलब Xiaomi Mi 10i, Snapdragon 720G Redmi Note 10 Pro Max से एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है, चाहे आप गेमिंग की बात करें, चाहे फिर जो है यूजर इंटरफेस की बात करें या फिर जो है स्मूथ यहां पे एक्सपीरियंस की बात करें, तो Exynos 9825 जो है आगे निकल जाता है कंपैरिजन इन दोनों ही फोन से। तो गाइस अगर यहां पे जो है तीनों ही फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, Xiaomi के Mi 10i एंड Redmi Note 10 Pro Max के अंदर जो कैमरा परफॉर्मेंस है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फोन के अंदर जो है सेंसर एक जैसे यूज किए गए हैं और जो यहां पे परफॉर्मेंस एंड UI है वो भी जो है बिल्कुल सिमिलर है, तो यहां पे जो है कैमरे में आपको जो है ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर बात करता हूं Samsung की क्वालिटी की, तो वहां पे यूज किया गया है 64MP का कैमरा, जो कि है सोनी का सेंसर। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो Samsung F62 की जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो जो है बेटर है कंपैरिजन यहां पे 108MP, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो। लेकिन हम जो है यहां पे नंबर में जो है विश्वास नहीं करते हैं, अगर आपको एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन देखना है
तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। अगर जो है यहाँ पे ज्यादा यूजर्स बोलेंगे कि हाँ हमें जो है कैमरा कंपेरिजन जरूर से देखना है तो मैं आपके लिए जरूर से बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको जो है कुछ सैंपल्स देखना है तो इस फोटोज में इस वीडियो में आपको जो है मैं दिखाई रहा हूँ, मतलब आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि आपको जो है कौन से फोन के जो है बेटर परफॉर्मेंस है, आउटडोर विजिबिलिटी एंड यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट शॉट एंड मैक्रो लेंस और जो है इसके अलावा अल्ट्रा वाइड एंगल के जो है कौन सा फोन जो है बेटर है। और हाँ गाइस, अगर फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मेरी फोटोज देख रहे हैं, आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको जो है रियर कैमरा एंड फ्रंट कैमरा में से कौन से फोन की जो है ज्यादा बेटर इमेजेस लगी, आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है जरूर से बता देना। और हाँ गाइस, अगर आप बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना तो यहाँ पे हमने जो है काफी सारे बैटरी ड्रेन टेस्ट किए हैं। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी F62 ऑलमोस्ट जो है आपको 11 से 12 घंटे का जो है परफॉर्मेंस देता है। Xiaomi Mi 10 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको जो है 8-8.5 घंटे का जो है परफॉर्मेंस देता है। एंड Redmi Note 10 Pro Max का जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट आने वाला है 1 या 2 दिन बाद में जो है जरूर से आएगा, तो वो उसकी अगर बात करते हैं कि कितना बैटरी परफॉर्मेंस देगा, ऑलमोस्ट जो है 9-9.5 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस जो है इजिली से दे देगा, क्योंकि सुपर एमोलेड स्क्रीन है, 5000mAh की बैटरी है, तो परफॉर्मेंस के मामले में जो है ऑलमोस्ट जो है इतना ही परफॉर्मेंस दे पाएगा 9-9.5 घंटे का। स्क्रीन ऑन टाइम बहुत ही बड़ी बात है। और हाँ गाइस, चार्जिंग की बात करते हैं तो चार्जिंग में भी जो है आगे निकलता है Redmi Note 10 Pro Max एंड यहाँ पे जो है Xiaomi का Mi 10i। सिक्योरिटी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है तीनों ही फोन में आपको जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। कॉस्ट कटिंग तो करनी बनती है गाइस, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है यहाँ पे Redmi का Note 10 Pro Max एंड Xiaomi Mi 10i की बात करते हैं तो वो भी एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। एंड इसके अलावा बात करते हैं Samsung Galaxy F62 की तो वो भी जो है एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन गाइस, अगर इस प्राइस सेगमेंट में अगर ओवरऑल पैकेज की बात करते हैं तो तीनों ही फोन जो है यहाँ पे इस प्राइस सेगमेंट में जो है अपने आप में बेस्ट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है कौन से ब्रांड पे जो है ट्रस्ट है या फिर जो है कौन से फोन के जो है वैल्यू फॉर मनी आपको जो है ज्यादा लग रहा है, आप मुझे कमेंट करके जो है अपने आप डिसाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से। तो गाइस, ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर से बताना। सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स जो है देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।